भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ये दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है लेकिन भारतीय संविधान को लिखने वाले शख्स प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। उन्होंने अपने हाथ से संविधान को लिखा था। इस बीच 2015 में भीमराव रामजी अंबेडकर की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को अपने जीवन में संवैधानिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना था। बचेली में बड़े धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस। बचेली के NMDC के अंबेडकर भवन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी अधिकारी कल्याण समिति द्वारा बचेली संविधान दिवस मनाया गया। बचेली के NMDC के अनुशासी निर्देशक वी वेंगटलू महाप्रबंधक धमेंद्र आचार्य ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा में फूल माला चढ़ाया। शाम के 4 बजे पूरे बचेली में बाइक रैली निकाली गई। बचेली में फिर सभी अंबेडकर भवन पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के NMDC के मुख्य अतिथि अधिशासी निदेशक वी वेंकटलू नगर पालिका की अध्यक्षता पूजा साव ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा फूलमाला डालकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी अतिथियों में अपने संविधान के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में देशभक्ति नृत्य भी किया गया। अंत में सभी अतिथियों को संविधान की किताब एवं डॉक्टर अंबेडकर साहब की फोटो भेंट की। बचेली से राजेश माहुलकर की रिपोर्ट।